चलिए इसी के साथ रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम है आज 11 बजे मोबाइल पशु चिकित्सालय का करेंगे लोकार्पण। 10:55 पर डेईवाला में हमारे कार्यक्रम में होंगे शामिल। वहीं 12 बजे सीएम मंत्रिमंडल की बैठक में प्रतिभाग करेंगे। वहीं 5 बजे ग्राम विकास विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें कि आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कई सारे कार्यक्रम है। आज 11 बजे मोबाइल पशु चिकित्सालय का लोकार्पण करेंगे। 10:55 पर डोईवाला में हमारे कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही 12 बजे जो है मंत्रिमंडल की बैठक में प्रतिभाग लेंगे। 5 बजे ग्राम में विकास विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, आज पुष्कर सिंह धामी के कई सारे कार्यक्रम है, 11 बजे मोबाइल पशु चिकित्सालय का लोकार्पण करेंगे, इसी के साथ ही कई कार्यक्रम है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? स्मिता, अभी अगर बात करें पुष्कर सिंह धामी की, आज जो है वो 11 बजे के लगभग जो है वो पशु चिकित्सालय जो है वो सचल चिकित्सालय है उसका बाकायदा लोकार्पण करेंगे। उसके बाद जो एक कार्यक्रम है हमारा कार्यक्रम, उसमें वो शिरकत करेंगे, जिसमें जो है लगभग जो है गाँव से संबंधित जो है बात होती है, गाँव से संबंधित समीक्षा होती है, और बाद में उसके बाद जो है वो ग्राम्य विकास की जो है समीक्षा बैठक होनी है, उसकी होनी है। और सबसे अहम जो आज मंत्रिमंडल की जो कैबिनेट बैठक होनी है ये मानी जा रही है, इसमें कयास लगाए जा रहे हैं, कई जो प्रस्ताव है उस पर मोहर लग सकती है। जिस तरीके से नकल मिश्रित की बात की जा रही है उस पर मोहर लग सकती है कि इस पर एक अध्यादेश जारी लागू किया जाए। वहीं दूसरी ओर जो 30% महिला आरक्षण की बात की जाती थी उस पर भी कहीं ना कहीं जो है आज प्रस्ताव पास हो, तो कई सारी सौगातों से भी नवाजा जा सकता है। और अवनीश जी, देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो है ग्राउंड लेवल पर ज्यादा काम कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि गांव के लोगों से ज्यादा जुड़ाव मुख्यमंत्री का दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए अश्मिता, इसमें कोई कहने की बात नहीं, जिस तरीके से अगर बात करें गाँव देहातों की, यहाँ पे देवभूमि है, पहाड़ी इलाका है, जो है यहाँ पर अगर रोजगार की बात करें तो लगातार जो है विपक्ष भी हमलावर होता रहा है, पलायन की बात भी यहाँ पे चलती रही थी, परंतु जिस तरीके से जो पुष्कर सिंह धामी है वो लगातार जो है एक आम जनता के बीच में जाके जीरो ग्राउंड पे जाके जो है आम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, चाहे वो चाय की टपरी की बात हो, चाहे वो सड़क चलता आदमी हो, कोई भी हो, तो उससे वो बाकायदा रूबरू हो रहे हैं, उसकी परेशानियों को यहाँ पे बात कर रहे हैं। और ग्रामों की बात है, ग्रामों के उत्थान के लिए लगातार वो कवायद कर रहे हैं, और लगे लगे जो अभी यहाँ पे इंडस्ट्री की बात है, MOU साइन करने की बात है, लगातार उनका कहना था कि जो पलायन है वो जो रोजगार है वो रोजगार को नए नए आयाम देने की यहाँ पे जरूर बात की जा रही है। ठीक जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कई सारे कार्यक्रम में शामिल होंगे, साथ ही मंत्रिमंडल की बैठक का भी प्रतिनिधित्व करेंगे।